अब चर्चा डिजिटल भुगतान वाले डेटा की भी कर लेते हैं, चाहे हम हो या आप। आजकल ज्यादातर लोग किसी भी लेन देन के लिए अक्सर यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि यूपीआई के जरिए देश में लेन देन की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। सरकार के आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल जून तिमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शन 36% बढ़े, 60 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। इस दौरान 4,122 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये आंकड़ा 44 लाख करोड़ था। उस दौरान 2,762 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए थे। अगर पूरे वित्त वर्ष के आधार पर देखें तो 2023-24 में यूपीआई से 13,113 करोड़ का भुगतान हुआ, जिसकी वैल्यू 200 लाख करोड़ थी। वित्त वर्ष 2022-23 में 8,371 करोड़ यूपीआई लेन देन हुए, जिसकी वैल्यू 139 लाख करोड़ थी। वित्त वर्ष 2021-22 में 84 लाख करोड़ के 4,596 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मोदी 1.0 में जिस डिजिटल क्रांति की बात कही जा रही थी, जिस तरह से कैश पर निर्भरता को कम करने पर जोर था, वो मोदी 3.0 आते आते कामयाब होता हुआ दिखने लगा है। लोग अब कैश पेमेंट मोड से दूर हो रहे हैं। डिजिटल क्रांति वाले इस दौर में उनकी निर्भरता और भरोसा दोनों डिजिटल पेमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।